तो दोस्तों काफ़ी समय के बाद में मौज एप्लीकेशन के अंदर एक अपडेट आ चुका है, जिसके अंदर आप अब किस प्रकार वीडियो बनाने हैं इसकी जो फीचर थे उसको ऐड कर दिया गया है। तो मौज एप्लीकेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो भी नहीं बना सकता, क्योंकि इसके अंदर इतनी सिक्योरिटी दी गई है कि हम कोई स्क्रीन शॉट भी नहीं ले सकते हैं। तो ये मौज एप्लीकेशन का इंटरफेस है कुछ इस प्रकार का। यहाँ पे आपको एक होम पेज का आई बटन मिल रहा है, इस पे होम पेज है। अगर इस पे आप क्लिक करते हैं तो आप होम पेज पे आ जाते हैं। और जो सेकंड बटन है ये प्लस के आइकन मिल रहा है, यहाँ से आपको वीडियो यहाँ से डालने होंगे। तो वीडियो डालने के लिए आप यहाँ से अपना जो भी वीडियो बनाया हुआ है ना उसको आप मौज एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। लेकिन अभी तक इसमें ये फीचर ऐड नहीं किया गया है कि आपको इसी एप्लीकेशन के द्वारा कोई वीडियो बना के ऐड कर सकें, तो ये फीचर अभी तक इसमें नहीं आया है। सिर्फ आप अपने कैमरे से बनाए हुए वीडियो को, जो रिकॉर्डेड वीडियो है, उसी को इस पर डाल सकते हैं, और इसमें अभी तक कोई फीचर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। अब अपन बात कर रहे हैं कि अगर हमने कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है तो उसको कैसे अपलोड करना है। तो मैं यहां से एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार हमें इसे अपलोड करना है। जैसे आप एक वीडियो सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा है इस पर आपको करना होगा क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद में जो आपके सामने, मैं वापस से दिखा देता हूँ कि ये थोड़ा सा बैक आके मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार करना है। जैसे मैं अभी बैक आता हूं और आपको एक वीडियो सेलेक्ट करके बताता हूं। जैसे मैं यहां से इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूं जो कि शॉर्ट वीडियो एकदम, तो इस वीडियो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि जो नेक्स्ट वाला आइकन दिखाई दे रहा है ना, इस पर आपको क्या कर देना होगा, क्लिक कर देना होगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने क्या होगा कि कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक तो दिया हुआ है कि राइट अबाउट योर वीडियो, आपका वीडियो किस तरह का है। तो यहाँ पे कुछ सजेशन टैग भी दिए हुए हैं, तो इन टैग, ये टैग लगा के भी इस वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, या फिर अपने जो टैग चाहते हो वो यहाँ पर टाइप करके वो लगा सकते हो। ऐसा लगाने के बाद में आपको क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करना होगा। इसे पोस्ट करने से पहले आपके सामने एक इंटरफेस ये आ रहा है कि आपको यहाँ पे वीडियो अपलोड करने के लिए आपको कोई अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर के थ्रू अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। और इसके बाद में यहाँ पे एक इंटर ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ओटीपी मिल जाएगा जो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे देते हैं। तो आपको पास ओटीपी आने के बाद में इस पर क्लिक करेंगे। इस एरो पे क्लिक करने के बाद में आपका क्या होगा कि अकाउंट बन जाएगा, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल अकाउंट नहीं बना रहा हूँ। और वापस बैक आके आपको बताता हूँ कि इसके अंदर और कौन से फीचर हमें मिलते हैं। तो यहाँ से बैक आने के बाद में मेरे पास कुछ फीचर और है जिनके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि और कौन से फीचर हैं। तो यहाँ से हम बैक आते हैं और बैक आने के बाद में आपको क्या करना होगा कि यहाँ से नोट नाउ करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से बैक आ रहा हूँ, एक सेकेंड। सो बैक आने के बाद में आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पे जो राइट साइड में एक कॉर्नर मिलता है इस पर आपको मिलता है कि क्रिएट अकाउंट, तो आप यहाँ से सीधा ही एक अकाउंट बना सकते हैं, लॉगिन हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल नंबर डालने होंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो भी मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। आपको यहाँ पे ओटीपी डाल के इस एरो पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अभी तक एक फीचर ये नहीं आया है कि आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो इस ऐप के थ्रू फिल्टर वगैरह और स्पीड वगैरह, वो सभी इसके अंदर अभी फीचर नहीं आया है। तो ये है मौज एप्लीकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक अगले वीडियो के और एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू।